नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो आज के दिन में माँ चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। आज माँ का आवाहन करना चाहिए। साथ ही मैं आज ये भी बताऊंगी आपको कि माँ का नाम चंद्र घंटा क्यों रखा गया, माँ का स्वरूप कैसा है और देवी पुराण में माँ चंद्र घंटा के स्वरूप का क्या महत्व है। माँ के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए माँ को चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माँ के शरीर, माँ का जो शरीर है वो स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। इनके 10 हाथ हैं जिनमें अस्त्र और शस्त्र हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ घंटे की ध्वनि से असुरों का नाश किया करती थी। आज के दिन माँ की उपासना से आत्मिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है और प्रेम का प्रतीक है। आज के दिन दूध का दान किसी कन्या को करने से आपका शुक्र ग्रह बलवान होता है, साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। आज के दिन माँ चंद्र घंटा की उपासना से तन मन वचन से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसी के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करें, साथ ही वह माँ भगवती के 108 नाम और साथ ही दुर्गा चालीसा भी पढ़ें। बाद में आरती करें और उसके बाद सूर्य को जल अर्पित करें। माता भगवती की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा को आज के दिन चमेली के फूल चढ़ाने से काम में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं। साथ ही में आज के दिन माँ को दूध का भोग लगाना अत्यंत शुभ फलदायी रहता है। इस मंत्र का जाप करते हुए आप माँ को भोग लगा सकते हैं। एम श्रीम शक्ते नमः, मंत्र सुन लीजिए, एम श्रीम शक्ते नमः। आज के दिन क्योंकि हम नवरात्रों के दौरान अपने चक्रा बैलेंसिंग भी करते हैं, तो आप लोग तीसरे नवरात्रि वाले दिन साधक मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र को जागृत करता है। इसमें मणि का अर्थ होता है मोती और पुरा का मतलब होता है शहर यानी कि जगमगाता रत्न, और ये बुद्धि तत्व साथ ही में स्वास्थ्य से संबंधित होता है। आत्मविश्वास और आत्म आश्वासन, खुशी, विचारों की स्पष्टता, ज्ञान, साथ ही में बुद्धि और योग्य निर्णय लेने की क्षमता, ये सभी इस चक्र को कंट्रोल करती हैं। इससे इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर को भी नियंत्रित करता है ये चक्र। ये चक्र पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन को नियंत्रित करता है, और इसके असंतुलित होने से आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी, हाइपोग्लाइसीमिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की। शुरुआत करेंगे मेष राशि वाले लोगों के साथ। द हैंग्ड मैन एंड द हेरोफेरेंट कार्ड निकलता है एरीज के लिए। संपत्ति के बड़े सौदे हो सकते हैं। आज के दिन में वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे, आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय करना है, आज माँ चंद्र घंटा की उपासना करें और माँ चंद्र घंटा को आज दूध का भोग लगाएं। चलिए बात करते हैं टॉरंस की। पहला कार्ड 3 of Pentacles एंड द सेकंड कार्ड इज 5 of Swords, द रिवर्स कार्ड। तो घर परिवार की चिंता रह सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों में आप लोगों के लिए रुचि बढ़ेगी। अगर बात करें व्यवसाय की तो उसमें लाभ के योग बन रहे हैं। उपाय क्या करना है, आज के दिन में माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने हैं। साथ ही में कोशिश करें कि किसी भी मंदिर में जा करके नारियल आप दान करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। 9 of Wands एंड 7 of Wands कार्ड निकलता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। निर्धारित कार्य पूरे नहीं होने की वजह से अधिकारी कोई टिप्पणी कर सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए। दौड़ धूप रहेगी, काम में व्यस्तता इतनी ज़्यादा रहेगी कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, हो सकता है। आज के दिन में सतनाजा आप 7 अनाज को मिला करके दान करेंगे किसी मंदिर में या किसी नीडी पर्सन को, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। 4 of Swords एंड Ace of Cups कार्ड निकलता है। कार्य सिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। आज के दिन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आप लोगों के लिए। लाभ के अवसर मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। आज के दिन में पहली रोटी घर की गाय के लिए निकालें, ऐसा करने से आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे और काम में आ रही अड़चने खत्म होंगी। चलिए बात करेंगे सिंह राशि। किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड 4 of Cups कार्ड निकलता है। तो सम्मान बना रहेगा आप लोगों के लिए। उत्साहवर्धक कोई सूचना मिल सकती है। साथ ही में सिंह राशि वाले लोगों के लिए शत्रु सक्रिय रहेंगे, सावधान रहिए। वाणी पर नियंत्रण करके चले। ध्यान रखिए किसी के साथ वाद विवाद आप लोग नहीं करें। आज घर के उत्तर पूर्व की दिशा में पानी भर के रखें, आपके लिए जो खासतौर पर फाइनेंसेस हैं आपके वो बैलेंस होंगे।
चलिए बात करेंगे कन्या राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस कार्ड निकलता है। परीक्षा में सफलता मिल सकती है स्टूडेंट्स को। यात्रा, नौकरी और निवेश आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। अचानक से लाभ हो सकता है तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। आज के दिन में माँ को लौंग का जोड़ा आपको अर्पित करना है और अपनी जो मनोकामना है वो उस समय पर आपको मांगनी है। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएँ तो पूरी होंगी ही, साथ ही में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी खत्म होंगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड निकलता है। व्यय वृद्धि हो सकती है, विवाद से बचने की जरूरत है। आज लेन देन में भी सावधानी बरतें, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन न करें तो बेहतर है। विरोधी जो है आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए ऐसे लोगों से। आज के दिन में गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए बात करेंगे अब वृश्चिक राशि। द डेविल एंड सिक्स ऑफ कप्स कार्ड निकलता है। यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए मनोरंजक रहेगी। रुका हुआ धन पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना है, यानी कि रिस्क वाला कोई काम नहीं करना है। किसी छोटी कन्या को लाल रंग की चुनरी भेंट करने से आपके जीवन में आ रही मुश्किलें आज खत्म होंगी। चलिए बात करेंगे धनु राशि। द टार एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकलता है। व्यवसाय ठीक चलेगा। आज के दिन में परिवार में हर्ष और बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग आप लोगों को मिल रहा है। चलिए बात करेंगे मकर राशि। पहला कार्ड एट ऑफ पेंटाकल्स एंड द चैरियट कार्ड निकलता है। तो कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है, मे बी कुछ ना कुछ आप चेंजेस करने के बारे में सोच सकते हैं। योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कार्य सिद्धि हो सकती है। आज उपाय करना है नीले वस्त्रों का प्रयोग न करें, खासतौर पर पूजा करते समय आप लोग कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र आप धारण करें। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि। द एम्परर एंड फोर ऑफ वांड्स कार्ड निकलता है। तो कानूनी सहायता आप लोगों को मिल सकती है। तंत्र मंत्र में आज विश्वास न ही करें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, कुछ भी खान पीन में लापरवाही नहीं बरतनी है, लेकिन धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं आप लोगों के लिए। उपाय क्या करना है, किसी भी मंदिर में जाकर के चावल का दान करना बेहद लाभकारी रहेगा। इसी के साथ आज फ्राइडे का दिन भी है तो माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि, पहला कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेथ कार्ड। आप लोगों के लिए वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी बरतनी है, चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। विवाद को बढ़ावा नहीं दें, कोशिश करें चीज़ों को खत्म करने का प्रयास करें। शाम के समय ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आज के दिन में माँ को नारियल की बर्फी का भोग लगाना बेहद लाभकारी रहेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आज तीसरा नवरात्र आपके जीवन में भी खुशियाँ लेकर के आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।